नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डीआईवाई पे। आज हम काफका सर्वर का यूज़ करेंगे और उसके प्रोड्यूसर कंज्यूमर लिखेंगे। सो पहले हम प्रोड्यूसर लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज में लेंगे लॉम्बॉक, स्प्रिंग काफका एंड स्प्रिंग वेब। सो प्रोड्यूसर हम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको काफका सर्वर को स्टार्ट करने से पहले जू कीपर स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम जू कीपर की कमांड लिख रहे हैं, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिर हमको स्टार्ट करना पड़ेगा ब्रोकर को, तो काफका ब्रोकर स्टार्ट करने के लिए काफका डैश सर्वर डैश स्टार्ट करके जो कमांड लिखा हुआ है यहाँ पे वो हम देंगे टर्मिनल पे, एंड यहाँ से ये स्टार्ट होगा। आप काफका को डाउनलोड कर सकते हैं काफका की साइट से, ये ओपन सोर्स है तो ये अवेलेबल है वहाँ पे। वहाँ पे जाके आपको स्काला स्क्रिप्ट मिलेगी, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे मैकिंटोश है, तो हमने मैकिंटोश के लिए मैक वाला वर्जन इंस्टॉल किया है यहाँ पे। ब्रू के थ्रू हमने इंस्टॉल किया था इसको, और हम एक टॉपिक भी बनाएंगे इनिशियली इसको, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के लिए हम एक टॉपिक भी बनाएंगे। और इस टॉपिक को हम प्रोड्यूसर से हम मैसेजेस को इस टॉपिक पे डालेंगे, और कंज्यूमर्स जितने भी कंज्यूमर रहेंगे वो सारे काफ्का सर्वर से कनेक्ट होके उस मैसेज को सुनेंगे। तो ये हमारा आज का कोड है। अभी हमने मेवन प्रोजेक्ट बनाया था, तो हम उसको आइडिया में एक्सपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे सॉरी। और आइडिया में इंपोर्ट करने के बाद मेवन में हम डिपेंडेंसी देख सकते हैं, जैसा हम पहले आपको बता रहे थे। तो स्प्रिंग काफका लॉम्बॉक एंड स्प्रिंग बूट वेब हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। अभी हम लॉम्बॉक के यूज़ करके एड डेटा, और ये जो एनोटेशंस हमने यूज़ किए हैं इसके थ्रू हम जो जो भी कोड गेटर सेटर वगैरह जो जनरेट करने का होता है पोजो के अंदर, वो लॉम्बॉक करके देता है हमको। तो हमने मॉडल बनाया, मैसेज मॉडल बनाया इस एग्जांपल के लिए। मैसेज मॉडल में सिंपल हमारा आईडी है, मैसेज आईडी है, और मैसेज है जो हमारा कंज्यूमर रीड करेगा। प्रोड्यूसर यहाँ से राइट करेगा और कंज्यूमर वहाँ पे रीड करेगा उसको। अभी हम लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको जब भी हमको कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ऐड करनी है एक्स्ट्रा, और हमको हम चाहते हैं कि स्प्रिंग बूट उसका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ना ले, और हम जो कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइज दे रहे हैं वो स्प्रिंग बूट पिक करे, तो हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी पड़ती है। तो वही हम एड कॉन्फ़िगरेशन करके क्लास लिख रहे हैं मैसेजिंग कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अंदर हम हमारा सर्वर जो बूटस्ट्रैप सर्वर जो है वो हमारा जिस पे हमारा ब्रोकर रन कर रहा है, जो कि 9092 पोर्ट पे 127.0.0.1 ये रहेगा। अगर हमारा सर्वर किसी और मशीन पे चल रहा होता तो उस मशीन का आईपी हमको यहाँ पे देना पड़ता, और पोर्ट उसका जो वहाँ पे पोर्ट रहता वो हमको यहाँ पे देना पड़ता। अभी हम कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूसर फैक्ट्री हमको ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर फैक्ट्री हमने ऐड किया, बूटस्ट्रैप सर्वर की डिटेल हमने दी, और उसके बाद की सीरियलाइजर और वैल्यू सीरियलाइजर। की सीरियलाइजर और वैल्यू सीरियलाइजर जो है, क्योंकि हमारा मैसेज ऑब्जेक्ट जो है वो नेटवर्क पे जाएगा, मतलब सर्वर पे जाके स्टोर होना है, तो वो बाइट की फॉर्म में जाएगा, तो इसलिए हमको सीरियलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। की सीरियलाइजर उस वैल्यू जो है वो जेसन सीरियलाइजर है। जेसन मतलब जो हमारा मैसेज ऑब्जेक्ट है वो जेसन में कन्वर्ट होके और वहाँ पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा, टॉपिक सर्वर टॉपिक में जाएगा, और वहाँ से हम उसको रीड करेंगे। तो हमने प्रोड्यूसर फैक्ट्री बनाया कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और उसको एड बीन के थ्रू इंजेक्ट किया। अभी हम SLF4J लॉम्बॉक का एनोटेशन है वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं,
और एक सिंपल प्रोड्यूसर कम कंट्रोलर यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स हैं मेनली, तो प्रोड्यूसर स्लैश मैसेज आईडी स्लैश मैसेज, ये एंड पॉइंट सिंपली जब भी हम कॉल करेंगे यूआरएल से, तो मैसेज आईडी के साथ हम कॉल कर रहे हैं, तो ये जो यूआरएल है ये रीड करेगा मैसेज आईडी को, और मैसेज को स्ट्रिंग मैसेज जो भी हम मैसेज यूआरएल पे लिखेंगे वो मैसेज मैसेज ऑब्जेक्ट में स्टोर होके और काफका प्रोड्यूस काफका टॉपिक में चला जाएगा। वो कैसे जाएगा वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या सीधा इसको सरल और सीधा बनाने के लिए हमने इसको जो सर्विस क्लास में जो कोड होना चाहिए था वो हम यहीं पे कर रहे हैं। तो अभी हम काफका टेम्पलेट हमने बनाया था कॉन्फ़िगरेशन में, अभी उसी टेम्पलेट का हम यूज़ करेंगे। तो काफका टेम्पलेट डॉट सेंड मेथड रहता है, उस सेंड मेथड में हमको टॉपिक का नाम बताना पड़ता है और जो ऑब्जेक्ट हम पास करने वाले हैं उसका नाम हमको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा मैसेज है उसको हम पास करेंगे, तो यूआरएल से जो भी हम डेटा दे रहे हैं वो डेटा लेके हमारा मैसेज जाएगा और वो काफका में स्टोर होगा, काफका टॉपिक में जाके सेव हो जाएगा, और उसी टाइम पे जो जो भी लिसनर उसको सुन रहे होंगे वो उसको सुन पाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो टर्मिनल स्क्रीन है इस पे आप देख सकते हैं, हमने टॉपिक स्टार्ट किया, कंसोल कंज्यूमर स्टार्ट किया है, काफका कंसोल कंज्यूमर हमने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे जो भी हम यूआरएल से जो भी मैसेज हम भेजेंगे वो मैसेज हमको जेसन फॉर्म में उस कंज्यूमर में दिखना चाहिए अगर सब कुछ सही गया तो हमने सर्वर स्टार्ट किया है, अभी तक तो सब ठीक दिख रहा है। अब यूआरएल पे हिट करके देखते हैं, तो हम यूआरएल पे हिट कर रहे हैं, कुछ एरर आया है, देखते हैं एरर क्या आया है। ओके, हमने लॉन्ग ले लिया था तो लॉन्ग, और हमने गलती से वहाँ पे मैसेज आईडी को स्ट्रिंग में पास कर दिया, तो मैसेज आईडी न्यूमेरिक है तो हमें नंबर पास करना पड़ेगा, आईडी जो है वो न्यूमेरिक है, हमने गलती से स्ट्रिंग पास कर दिया था, तो उसे करेक्ट करते हैं हम। तो हमने अभी 1 दिया न्यूमरिक में और ये चल गया, और इसका जो काफका कंसोल ऐप में हमने उसको देख लिया। तो अभी हम दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि काफका कंज्यूमर है। काफका कंज्यूमर में भी हम सेम वही डिपेंडेंसीज लिए जो प्रोड्यूसर में हमने ली थी, और इस ये भी मेवन प्रोजेक्ट है, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं आइडिया में। इंपोर्ट करने के बाद जैसा कि आप पॉम डॉट एक्स एम एल को चेक कर सकते हैं, पॉम डॉट एक्स एम एल में हमने चेक किया तो वही डिपेंडेंसीज है। अभी हम फिर से कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे जो कि कंज्यूमर की कॉन्फ़िगरेशंस रहेगी, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशंस नॉर्मली जब जब भी हम लिखेंगे, अभी हम उसके साथ साथ हमको यहाँ पे मैसेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम काफ्का से रीड करेंगे, काफ्का टॉपिक से रीड करेंगे, तो वो मैसेज जो है वो डीसीरियलाइज का मतलब होता है कि बाइट अरे से वो वापस नॉर्मल ऑब्जेक्ट की के अंदर आके स्टोर होगा हमारा जो भी डेटा हमने अभी काफ्का टॉपिक में स्टोर किया था। तो मैसेज जेसन जो वहाँ बना था उस मैसेज जेसन को हम यहाँ पे मैसेज ऑब्जेक्ट में डालेंगे, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। एनोटेशंस लॉम्बोक की एनोटेशंस हमने यूज़ की थी मॉडल के लिए, यहाँ पे भी वही किया है। अभी हम कंज्यूमर फैक्ट्री बना रहे हैं, यहाँ पे एक हैश मैप लिया है, इस हैश मैप में कंज्यूमर की जो कॉन्फ़िगरेशंस रहती है वो हमको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली वो बूटस्ट्रैप सर्वर रहता है, बूटस्ट्रैप सर्वर जो अपना काफ़का ब्रोकर है उसकी डिटेल रहती है, वो हमने जैसे कि ऊपर ऐड किया है कॉन्स्टेंट में, और अब हम ये लेने के बाद अभी हम की सीरियलाइज की डी सीरियलाइजर का मतलब सीरियलाइज करना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, चेंज करना, और डी सीरियलाइज करना मतलब बाइट की फॉर्म से वापस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके आना उस, ठीक है। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, तो हमने वो सब दिया, और उसके साथ हमको ग्रुप आईडी मैसेज ग्रुप आईडी देना पड़ता है, तो
तो मैसेज ग्रुप आईडी हमने दिया। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमको कॉन्करेंट काफ्का लिसनर कंटेनर फैक्ट्री बनानी पड़ती है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस यूजुअली सेम ही रहती है सारे प्रोजेक्ट में, तो सारे कंज्यूमर जब भी हम कंज्यूमर बनाएंगे तो हमको ये कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। तो आप इस यूआरएल पे जाके भी उसकी डिटेल देख सकते हैं। अभी कॉन्करेंट काफ्का लिसनर कंटेनर फैक्ट्री है, हम उसको यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करेंगे, मतलब उसको सेट करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। एट बीन अनोटेशन जो रहता है, ये क्या करता है, ये डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है स्प्रिंग के अंदर, और फिर वो ऑब्जेक्ट बना के जहाँ पे भी हम ऑटो वायर करेंगे या जहाँ पे भी हम इस बीन को यूज़ करेंगे वहाँ पे ये हमको ऑब्जेक्ट बना के, स्प्रिंग कंटेनर हमको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। तो यही ये एट द बीन करता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम कंज्यूमर बना रहे हैं, कंज्यूमर लिसनर बना रहे हैं, कंज्यूमर फैक्ट्री बनाई है। अब हम चलेंगे हमारे कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में चल के हम देखते हैं उसको क्या सेटअप करना है। कंट्रोलर बनाते हैं अपना। तो SLF4J अपना लॉम्बोक का एनोटेशन रहता है। रेस्ट कंट्रोलर जैसा कि आपको पता ही है, स्प्रिंग बूट में हमको एट रेस्ट कंट्रोलर ऐड करते हैं, तो वो स्प्रिंग में रेस्ट API की जो सारी फीचर है वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो हमने एड गेट मैपिंग किया। गेट मैपिंग मतलब HTTP का जो गेट मेथड होता है वो यहाँ पे यूज़ होगा, और स्लैश कंज्यूमर अपना URL जो है वो स्लैश कंज्यूमर रहेगा, और वहाँ पे हम मैसेज को काफ्का से जो मैसेज हम रीड करेंगे ये काफ्का लिसनर के अंदर, उस मैसेज को हम सिंपली मतलब सीधे सीधे उसको सेव करके और उस मैसेज को रीड करेंगे स्लैश कंज्यूमर से। तो यहाँ पे हम जैसा कि आप देख सकते हैं एट काफ्का लिसनर जो एनोटेशन है उस एनोटेशन को लगा के हमको बताना पड़ता है कि कौन से टॉपिक से और कौन से ग्रुप आईडी से हमको मैसेज रीड करना है। तो वही हम अभी यहाँ कर रहे हैं। तो हमने रीड काफ्का मैसेज एसिंक नाम से हमने मेथड बनाया है। इस मेथड के अंदर हमने मैसेज ऑब्जेक्ट पास किया। ये जो मैसेज ऑब्जेक्ट पास किया था इसके अंदर हमको वैल्यू मिल जाएगा काफ्का से। इस प्रोजेक्ट को हम 8081 पोर्ट पे चला रहे हैं क्योंकि 8080 पे ऑलरेडी हमारा प्रोड्यूसर जो है काफ्का प्रोड्यूसर वो चल रहा है। तो अभी हम सर्वर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। टॉमकेट, तो हमारा टॉमकेट स्टार्ट होगा और वो काफ्का से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ्का से कनेक्ट भी हो रहा है। अभी हम स्लैश कंज्यूमर लिख के देखते हैं क्या होता है। 8081 पे स्लैश कंज्यूमर लिखा, अरे कुछ शो नहीं हो रहा है, कहाँ पंगा हो गया। ओके, तो हमने मैसेज ग्रुप दिया है लेकिन ग्रुप आईडी के अंदर हम उस मैसेज ग्रुप को पेस्ट करना भूल गए। तो अभी हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करके सर्वर फिर से रीस्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होती है दोस्तों, जब भी हम कोड करने बैठते हैं तो कई बार सेम जो जितनी भी डिपेंडेंसीज रहती है, कई बार ऐसा होता है कि सेम तरह की डिपेंडेंसीज में सेम तरह की क्लास के नेम्स होते हैं। तो जैसा कि जेसन सीरियलाइजर और डी सीरियलाइजर है, ये जो क्लासेस हैं ये दोनों जो हैं ये काफ्का स्प्रिंग काफ्का सपोर्ट में भी हैं और फास्टर XML में भी हैं। तो जब भी हम कोड करें या किसी को इम्पोर्ट करें तो हमको प्रॉपरली देखना चाहिए कि वो इम्पोर्ट किस पैकेज से कर रहा है। यहाँ पे कुछ एरर आया है, एरर बड़ा भारी लग रहा है, क्या दिक्कत है देखते हैं। लिस्नर, ओके, एक और चीज़ है कि जब हम काफ्का स्प्रिंग काफ्का 2.0 के ऊपर जितने भी वर्जन्स हैं इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस हमको ऐड करनी पड़ती है कंज्यूमर के लिए। प्रोड्यूसर चलेगा, कंज्यूमर में हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। वो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करके देखते हैं। सर्वर तो चल रहा है, मैसेज भी रीड हो गया।
नहीं वो तो प्रोड्यूसर था, ओके ये हमारा कंज्यूमर है और यहाँ पे हमको एरर आ रही है। एरर में ये क्या बोल रहा है, सर्वर को स्टॉप करके देखते हैं एरर में क्या बोल रहा है। एरर हैंडलर की सीरियलाइजर डी सीरियलाइजर, ये ट्रस्ट स्टोर की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली आफ्टर जो 2.0 के बाद जो वर्जन है उसमें हमको पैकेजेस देने पड़ते हैं, पैकेज का डिटेल भी देना पड़ता है, ट्रस्टेड पैकेज का डिटेल। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर का जो मॉडल है, मैसेज ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों में है, प्रोड्यूसर में भी है कंज्यूमर में भी, और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों का कोड बेस अलग अलग है तो दोनों के पैकेज स्ट्रक्चर हैं वो दोनों का अलग अलग है, तो जावा उसको नहीं पहचान पा रहा है, मतलब JVM हमारा जो JVM है वो दोनों मॉडल को नहीं पहचान पा रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर से जो ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा था उस ऑब्जेक्ट को हम कस्टमर वाले मैसेज में रीड करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अभी हमको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जिसमें कि हमारा जो मेटा डेटा डिटेल्स है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट की डिटेल है जैसे कि वो किस पैकेज में है, वो हमारे काफ्का में ना जाए। तो वो सेटिंग हमने सर्च किया इंटरनेट पे, तो हमको ये स्टैक ओवरफ्लो में ये क्वेश्चन मिला है जो कि ये बता रहा है कि कैसे हम उसको पास कर सकते हैं। तो डीसीरियलाइजर जेसन डीसीरियलाइजर का यूज़ करते हैं यहाँ पे इस केस में, और उसमें हम लोग सेट रिमूव टाइप हेडर्स को फॉल्स कर रहे हैं कि टाइप हेडर्स रिमूव करने का, और ट्रस्टेड पैकेज वगैरह डिटेल वो सब हम यहाँ पे देंगे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक और चीज़, हमने इतनी बार इसको ट्राई किया है, इतनी बार इसको रन कर करके देखा है कि जो हमारा काफ्का टॉपिक था वो खराब हो गया, मतलब करप्ट हो गया पूरी तरह से, तो हमको नया टॉपिक बनाना पड़ा है। हम अब नए टॉपिक को रेफर करेंगे यहाँ पे, हमने उसका नाम दिया था मैसेज टॉपिक और वही हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि इसने यूज़ किया जेसन डी सीरियलाइजर, और इसमें हमको मैसेज पास करना पड़ेगा। और ये जो डी सीरियलाइजर अभी हम बना रहे हैं, इस डी सीरियलाइजर को हम पास करेंगे वैल्यू डी सीरियलाइजर के अंदर, लाइन नंबर 36 में जो हमको दिख रहा है ना वहाँ पे हम इसको पास करेंगे सीधे जेसन डी सीरियलाइजर लेने की बजाय। अभी ये जो डी सीरियलाइजर है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे बताइए वो अभी सेट करते हैं। ट्रस्टेड पैकेज में हम स्टार देंगे कि मतलब जो कोई भी पैकेज आए उसको ले लो भाई, और सेट रिमूव टाइप हेडर, एक सेट यूज़र टाइप हेडर से नहीं, ये तो यूज़र टाइप मैसेज मैपर फॉर की है, ओके उसको हमको ट्रू करना है, रिमूव टाइप हेडर्स को फॉल्स करना है। एक बार ये देखते हैं करके, तो ये यूज़र मैपर था नीचे वाला, यूज़र टाइप मैपर था और इसमें ट्रू किया था उसने इसमें ट्रू किया था, सेट यूजर यूज टाइप मैपर फॉर की, यानी कि की को हम टाइप उसकी टाइप के हिसाब से मैप करेंगे, ये कहना चाह रहा है। और दूसरा जो था यूजर टाइप हेडर उसको फॉल्स करेंगे। अब देखते हैं और इस डी सीरियलाइजर को नीचे पास करते हैं। आप इस ये जो स्टैक ओवरफ्लो का थ्रेड है हम जो जिसका हमको आंसर मिला था, जो मतलब हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहाँ मिला था, आप इसको जो हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन रहता है वीडियो का उसमें आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और अभी हमारा जो डिफ़ॉल्ट काफ्का कंज्यूमर फैक्ट्री है उसके अंदर ये दोनों पैरामीटर पास करेंगे, कॉन्फिग के साथ की सीरियलाइजर और वैल्यू डी सीरियलाइजर दोनों वहाँ पास करा। और अभी आगे देखते हैं आगे क्या करना है। ओके ये यहाँ पे कह रहा है कि हमको @payload करके हमारा जो लिसनर फंक्शन है उसमें @payload करके ऐड करना पड़ेगा, मैसेज हेडर्स और पेलोड हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं @headers करके और @payload करके ऐड करना पड़ेगा। ये भाई ये बोल रहा है, अभी देखते हैं हमारा कंट्रोलर कहाँ है। ओके ये तो मैसेज जावा हो गया, अभी कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर सबसे पहली क्लास है, यहाँ पे चल के ऐड करते हैं पेलोड को।
पेलोड का मतलब जो हमको वहाँ से आ रहा है, काफका से जो हमको आ रहा है वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो एट पेलोड जब हम बोलेंगे तो वो पेलोड वहाँ से इसको हैंडल करेगा, जैसा कि हमने एट पाथ वेरिएबल में करते हैं वैसे ही ये एट पेलोड में है। जैसे पाथ वेरिएबल में जो भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमको मिल रहा होता है वो वहाँ पे हम पाथ वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ये एट पेलोड से एक्सेस हो रहा है। पहले जो कंज्यूमर लिखते थे हम काफका के लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती थी। पहले तो जो हमने इनिशियली सेटअप किया था उसी से काम चल जाता था। अभी ये नए फीचर्स ऐड हुए हैं 2.0 के बाद, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो हो गया, तो हाँ मैसेज हेडर वगैरह ऐड कर दिया है। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करते हैं। मैसेज हेडर्स स्प्रिंग फ्रेमवर्क मैसेजिंग, हाँ मैसेजिंग पैकेज हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो इससे लेते हैं हेडर्स। अभी हमने जो इनिशियल टॉपिक था वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, हमने उसको हटा के अभी मैसेज टॉपिक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों जो काफका होता है, काफका एक ब्रोकर है, मैसेज ब्रोकर सर्वर है जहाँ पे टॉपिक्स रहते हैं, टॉपिक्स बनते हैं और हर टॉपिक का पार्टीशन बनते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक में हम जो मैसेजेस वगैरह भेजते हैं वो पार्टीशंस में जाके स्टोर होता है। अभी के लिए इसके लिए आप इतना समझ सकते हैं, बाकी आप नेट पे और सर्च कर सकते हैं काफका के बारे में। और अगर लेटर ऑन कभी बना तो हम काफका के ऊपर भी एक सेपरेट से पूरा ट्यूटोरियल बना देंगे। चलिए जो ये अंकल बोल रहे हैं वो सारा हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी इसको सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर। एरर मत आना भाई, कौन सी एरर आती है देखते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है, पहले हमको ट्रस्ट स्टोर की ट्रस्ट पैकेज की आ रही थी प्रॉब्लम, अभी ट्रस्ट पैकेज हटा दिया। अभी हमने हेडर्स का भी हमको इश्यू आया था तो हमने हेडर्स भी हटा दिया, ऐड हेडर हटा दिया है, ऐड पेलोड रखा है खाली, और बाकी सब आप ये देख ही सकते हैं। अभी सर्वर को रिस्टार्ट करके देखते हैं। वाओ, हमारे मैसेजेस जो हैं काफका से एसिंक्रोनसली हम यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि जब काम हुआ अगले को उसी समय नहीं मिलेगा। सिंक्रोनस का मतलब होता है दोनों एक साथ खड़े होके बातें बात कर रहे हैं। एसिंक्रोनस का मतलब होता है मैंने मैसेज डाल दिया, अगले को जब मिलेगा तब वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। हमने बोला टारगेट फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर, चलो देखते हैं कितने इस पे सब्सक्राइब करते हैं हिंदी में। तो इस तरह से हमारा वीडियो पूरा हुआ। यहाँ पे हमने मैसेजिंग देखा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को धन्यवाद देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो तक। अगली सीरीज हम हिंदी प्लेलिस्ट हमने बनाई है, तो आप हिंदी में अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद।